Good morning, students. Today we are taking systemic circulation, जो heart का एक दूसरा part था हमारा pulmonary circulation हो गया और अब हमारा एक last point है इसका systemic circulation. किस तरह से ये work करता है मैंने already एक chart बनाया है आपको बिल्कुल systematic नज़र आ रहा है point to point arrow के द्वारा बिल्कुल एकदम clear cut आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये blood circulation कैसे flow कर रहा है. Okay, now I am going to tell you in very easy way that you will definitely understand on the spot. Okay, now come to the first point. We will start from right atrium. Okay, so first of all, what is systemic circulation? Kya hota hai? Systemic circulation heart se blood ke flow ko sabhi body parts tak leke jana अलग अलग ब्लड सेल्स के थ्रू. वो कौन बताता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब हम स्टार्ट करते हैं राइट आर्ट्रियम से. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो राइट आर्ट्रियम है से डी ऑक्सीजनेट ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है. तो हम कहाँ से कैरी कर रहे हैं? राइट आर्ट्रियम से, जो ऑलरेडी आपको हार्ट में हार्ट स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जो हमारा राइट आर्ट्रियम है वहाँ से हम डीऑक्सीजनेट ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड जाता है, वहाँ तक पहुँचता है. राइट आर्ट्रियम से हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है. उसके बाद जो हमारा राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड थ्रो कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ. ओके, जहाँ लंग्स में क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. ओके, लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेट ब्लड को लेफ्ट आर्टरी तक लेके जाती है. ये देखो, लंग्स जो है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पूरा कवर करके कहाँ पहुँच रहा है? लेफ्ट आर्टरी में पहुँच रहा है. क्लियर? अब हमारा जो है लेफ्ट आर्ट्रियम से जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच गया. उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सल ऑरटा ब्लड को लेकर जाती है. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कौन लेकर जाता है? डोर्सल ऑरटा. ओके, तो हमारा जो डोर्सल ऑरटा है लेकर के जाता है ब्लड को कहाँ? छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, जो जिसे जो ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती है. कौन? आर्टरीज. ओके, तो ये जो हमारे आर्टरीज हैं बॉडी ऑर्गन में ये आर्टरीज और भी छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्टियोल्स. ये जो है आर्टियोल्स में छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्टियोल्स. ओके, तो आर्टियोल्स के बाद क्या होता है? देखो, ये आर्टियोल्स बहुत ही थिन वॉल, बहुत ही बारीक होती है, बारीक ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है. ओके, ये जो ब्लड है कैपिलरीज है इसमें ये डिवाइड हो जाती है और ये ब्लड कैपिलरीज सेल्स के टिश्यू के कांटेक्ट में रहती है. ओके, एंड ऑक्सीजन दे दी कांटेक्ट में रहती है और फिर क्या करती है? सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और ऑक्सीजन को दे देती है. तो ये किसका काम है? ब्लड कैपिलरीज का. ओके, तो उसके बाद जो हमारा है ब्लड कैपिलरीज क्या करती है? ये कंबाइंड होकर वेन्यूल्स बनाती है. ये ब्लड कैपिलरीज आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाती है? वेन्यूल्स. ओके, तो वेन्यूल्स बनाने के बाद में जिनमें अब क्या जाएगा? डीऑक्सीजनेट ब्लड. ओके, तो डीऑक्सीजनेट ब्लड अब है जो वेन्यूल्स है ये क्या करेगा? वेन्यूल्स कंबाइंड होकर वेन्स बनाएगा, वेन्स बनाती है. ओके, तो वेन्स बनाती है. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की जो वेन्स हैं वो कंबाइंड होकर क्या बनेगी लास्ट में? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. ओके, तो ये हमारा जिस तरह से ये स्टार्ट है एरो के द्वारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा है. तो किस तरह से कंबाइंड होकर सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा बनाती है और लास्ट में ये वेना कावा कहाँ जाती है? राइट आर्ट्रियम में खुल जाती है. तो ये क्या है? हमारा
सिस्टमिक सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से लंग्स के द्वारा, लंग्स से पल्मोनरी वेंस में से लेफ्ट आर्टरीज एंड इस तरह से डिवाइड होता हुआ ये पूरा ब्लड हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है और इस तरह से ये वर्क करता है। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये यहाँ कंप्लीट होता है और इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसी का फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो पॉइंट्स हैं मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, कुछ नया नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, सेम है। सो इसलिए मैंने इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड ओवर हियर एंड एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास एंड दोज हु आर नॉट अटेंडिंग द लाइव क्लास दे विल डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।